हाय बच्चों, मैं इच्छेश कुमार शुक्ला आईएएस इंस्टीट्यूट लखीमपुर खीरी क्लास ट्वेल्थ फर्स्ट चैप्टर टाइप ऑफ रिलेशन वेरी मोस्ट चैप्टर है। क्लास इलेवेंथ में सेकंड चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन। उसके आगे का कुछ जो पार्ट बाकी रह जाता है वो इंटर क्लास में आ जाता है, उसकी बात ही करने जा रहे हैं। तो इसमें ये बात हम सीखेंगे कि टाइप ऑफ रिलेशन क्या है, कितने टाइप के रिलेशन होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, रिलेशन क्या है। लेट आर बी आर रिलेशन इन सेट ए। आज सबसेट है एक क्लास ए का कि जो रिलेशन है वो रिलेशन किसका सबसेट होता है, एक क्लास ए का होता है। तो उसी के बारे में एक क्लास ए प्रोडक्ट हमने निकालना सिखाया था क्लास फर्स्ट ईयर में, चैप्टर सेकंड में ऑर्डर पेयर निकालना सिखाया गया था इसी से। तो ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं एक सेट है 1 2 3 4 का, सपोज कर लेते। तो एक क्लास ए निकालोगे बच्चों क्या आ जाएगा, 1 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 3 2 4 3 4 4। तो ये रिलेशन ऑर्डर पेयर आपको हमने इलेवेंथ क्लास में सिखाया था। अब बात होती है टाइप ऑफ रिलेशन क्या। अभी तो हमने ये बताया लेट आर बी आर रिलेशन इन सेट ए, आर सबसेट ए क्रॉस ए। जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। टाइप ऑफ रिलेशन में पहला रिलेशन ध्यान से देखिएगा, नल जिसे रिक्त कहते हो और वाइड, वाइड बोलो चाहे नल बोलो चाहे एम्प्टी रिलेशन बोलो, एम्प्टी रिलेशन। इसे रिक्त खाली या नल वाइड एम्प्टी रिलेशन के नाम से जानते हैं। तो यह है तो कैसा है रिलेशन, एक रिलेशन आर इस प्रकार हो सच डैट, जैसे एग्जांपल दे दिया ए प्लस सिक्स। तो आप लोगों को यह मालूम ही है कि ए किसको बिलोंग करेगा, पहले सेट को, बी किसको बिलोंग करता है सेकंड सेट को। अरे पेयर जो बनाया था ध्यान दीजिएगा, जैसे एक सेट है 1 2 का, बी सेट है 2 3 का, इसे रेज कर रहे हैं बच्चों। एग्जांपल 1 2 3 4। तो एक क्लास बी जब निकालते थे आप तो 1 3 1 4 2 3 2 4 इस तरीके से लिखते थे। तो क्या होता था, फर्स्ट एलिमेंट ए में बिलोंग करता था और सेकंड एलिमेंट बी को बिलोंग करता था। तो यहीं पे वही बात है कि फॉर एवरी, इसको क्या बोलेंगे, फॉर एवरी कहेंगे, ए बिलोंग करेगा ए को, अब बी किसको बिलोंग करेगा, एंड बी बिलोंग करेगा बी को।
लेकिन यहां पर जो मैं समझाने जा रहा हूं वो एक क्लास ए के रिलेशन में समझा रहा हूं, समझिएगा कि बी भी ए है और ए भी ए है। इस सेट पे हम लेके चले हैं आपको 1 2 3 4। जब एक क्लास ए निकाला तो ये, तो इस रिलेशन में क्या है, बी जो है बी वाला एलिमेंट ए से 6 ज्यादा है, ग्रेटर है। तो क्या इसमें कोई ऐसा ऑर्डर पेयर लिखा है जिसमें सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से 6 अधिक हो? भाई चेक कर लो, एक अगर ए 1 है तो बी 7 होना चाहिए, तो 1,7 कहीं लिखा नहीं लिखा। कोई एलिमेंट चेक करो, 3 अगर ए को 3 लेते हैं तो बी कितना हो जाएगा, 3 6 9 हो जाएगा, तो 3,9 कहीं है। तो ऐसा कोई हमें ऑर्डर पेयर मिला नहीं, तो ऐसे सेट को हम, ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे, नल या वाइड या एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। ऐसा रिलेशन जिसमें कोई ऑर्डर पेयर मौजूद ना हो उसे कहते हैं नल वाइड एम्प्टी रिलेशन, चाहे रिक्त रिलेशन। ये 3 नाम है इंग्लिश में, हिंदी वाले समझ लें कि ऐसा होता है, हिंदी में ऐसे लिख देंगे नल, तब क्या करोगे, नाम आपको याद ही होने चाहिए। अब सेकंड रिलेशन की बात करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। कैसा रिलेशन बच्चों, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता, इच एलिमेंट ऑफ ए ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। इच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं, एक सेट ए है 1,2 का, बी सेट है 3,4 का, तो इसका एक क्रॉस बी जब निकालोगे एक क्रॉस बी तब क्या निकलेगा, 1 3 1 4 2 3 2 4 वो जो आएगा। तो इस सेट में ये बता रहा हूं मैं, सॉरी इस रिलेशन में मैं ये बता रहा हूं, इच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ए के जो एलिमेंट है इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, कि सेट ए के एलिमेंट सेट बी से इस प्रकार रिलेशन रखते हूं। किस प्रकार, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, सच डेट मॉडुलस ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जहां फॉर एवरी ए बिलोंग कर रहा है सेट ए को एंड बी बिलोंग कर रहा है सेट बी को, कि 100% कोई ना कोई ऑर्डर पेयर आपको मिलेगा। चेक कर लीजिए, ए से बी को लेस करोगे वो हमेशा 0 से या 0 के इक्वल आएगा या ग्रेटर आएगा। 1 से 4 लेस करोगे -3 हो जाएगा, अब -3 का मॉडुलस बेटा 3 हो जाएगा, वो ग्रेटर तो हो ही जाएगा। तो इसमें आपको ऑर्डर पेयर निश्चित रूप से मिलेंगे, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, यूनिवर्सल रिलेशन। इच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के एलिमेंट रिलेट होते हो किससे, सेट बी से, तो कहा जा सकता है रिलेशन ए टू बी सच डेट मॉडुलस ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वेयर फॉर एवरी ए बिलोंग कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, ए को, सेकंड एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, सेट बी को। इस प्रकार के रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। सबसे मोस्ट इसमें रिलेशन, 3 रिलेशन है जो हमारे सिलेबस के
जो एग्जाम में बहुत पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तीसरा रिलेशन की बात कर रहे हैं बच्चों, आइडेंटिटी रिलेशन। जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है ये किस प्रकार का है? एक रिलेशन है ए कॉमा ए का, फॉर एवरी ए बिलोंग करता है किसको? आर को। जैसे वन कॉमा वन एक सेट वन कॉमा वन का है, एक सेट बी वन कॉमा टू का है। तो ध्यान दीजिएगा, वन टू वन टू, जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो इस तरीके का होगा कि डबलेट होने चाहिए। अगर वन वन है, टू टू है, थ्री थ्री है, इस प्रकार के रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते। अगर एक है तो एक की इमेज भी एक हो, टू है तो टू की इमेज भी टू हो, थ्री है तो थ्री की इमेज थ्री हो। तो इस प्रकार के रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। अगर कोई कहता है क्या यह आइडेंटिटी रिलेशन है, तो बच्चों बताइए देख के, यह बिल्कुल नहीं है। क्यों? वन वन है, टू टू है, थ्री थ्री है, लेकिन वन टू क्यों आया? इसलिए यह आइडेंटिटी रिलेशन नहीं माना जाएगा। अब बचे हुए रिलेशन हमारे सिलेबस के लिए वेरी मोस्ट हैं, वेरी मोस्ट रिफ्लेक्सिव। कैसा बच्चों? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है ध्यान दीजिएगा। जैसे एक सेट ए है वन कामा टू कामा थ्री कामा फोर, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहता है ए कामा ए यानी डबलेट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? डबलेट होने चाहिए। फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए यानी ए में जितने एलिमेंट हैं उसके सारे के सारे एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए। अभी तुम लोग सोच रहे होंगे आइडेंटिटी में भी डबलेट की बातचीत की थी। हाँ की थी, लेकिन वहां पर फॉर एवरी की बात नहीं थी। वहां पे अगर रिलेशन इस सेट के अकॉर्डिंग निकाले तो अगर ऐसे लिखा वन कामा वन टू कामा टू, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है, लेकिन रिफ्लेक्सिव बच्चों नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए वन कामा वन हो, टू कामा टू हो, थ्री कामा थ्री हो, फोर कामा फोर, इसको रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा। वन कामा वन, टू कामा टू, थ्री कामा थ्री, फोर कामा फोर, यह बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन माना जाएगा। क्यों? फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए, जितने ए के एलिमेंट थे उनके सबके डबलेट इसमें पाए गए। भाई वन था तो वन वन, टू था टू टू, थ्री था थ्री थ्री, फोर था फोर फोर। अगर कोई ऐसे कह दे ये रिफ्लेक्सिव बेटा है, वन कामा वन, टू कामा टू, थ्री कामा थ्री, क्या यह रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? वन वन है, टू टू है, थ्री थ्री है, फोर फोर कहाँ है? इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं। तो किस प्रकार का रिलेशन है? आइडेंटिटी रिलेशन है, क्योंकि आइडेंटिटी में इस वर्ड का जिक्र मैंने नहीं किया। वहां तो मैंने ए बिलोंग टू लिख दिया था ही। तो ध्यान दीजिएगा, उम्मीद करता हूं रिफ्लेक्सिव समझ में आई होगी। अगला रिलेशन, ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स रिलेशन वेरी मोस्ट माने जाते हैं।
सिमेट्रिक रिलेशन, कैसा बच्चों? सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? इफ ए वन ए टू बिलोंग करता हो रिलेशन में, इंप्लाइड डेट इसको क्या बोलते हैं? इंप्लाइड डेट। जबकि इसे क्या कहते हैं बच्चों? इफ एंड ओनली, क्या कहते हैं? इफ एंड ओनली। तो ध्यान दीजिए सिमेट्रिक के बारे में, इफ ए वन कमा ए टू बिलोंग करता हो आर को, इंप्लाइड है, और ए टू कमा ए वन बिलोंग करता हो आर को, आर यानी रिलेशन। तो मैं कह दूंगा वह रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। समझिएगा वर्ड आगे, फॉर ऑल ए वन ए टू बिलोंग टू ए। एक रिलेशन मैंने लिखा बच्चों, वन कामा टू, टू कामा वन, वन कामा वन, टू कामा टू, थ्री कामा थ्री। मैंने क्या लिखा? ए वन कामा ए टू अगर आर में है तो ए टू कामा ए वन भी होना चाहिए आर में। तो ये रिलेशन देखो, वन कामा टू है इसमें तो टू कामा वन भी है इसमें। बच्चों ध्यान दीजिएगा, वन कामा वन है इसमें तो इसका उल्टा पर बोलो, वन कामा वन भी है इसमें, टू कामा टू है इसमें तो इसका अपोजिट बोलोगे बेटा क्या है? टू कामा टू आएगा, वो तो पहले से लिखा। थ्री कामा थ्री तो थ्री कामा थ्री यानी है, तो यह सिमेट्रिक रिलेशन है। लेकिन अगर ऐसे लिखा है कहीं वन कामा टू, टू कामा थ्री, वन कामा टू, टू कामा थ्री, और थ्री कामा फोर, फोर कामा थ्री, फोर कामा थ्री, चेक। वन कामा टू इसमें तो है लेकिन टू कामा वन कहाँ है? नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। फिर से समझ लें सिमेट्रिक के बारे में, इफ ए वन कामा ए टू बिलोंग करता हो आर को, इंप्लाइड इट ए टू कॉमा ए वन विल बी बिलोंग टू आर, ए टू कॉमा ए वन भी आर को बिलोंग करना चाहिए, देन रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। वेरी मोस्ट है लास्ट, ध्यान दीजिएगा, एक सिमेट्रिक में नोट्स पॉइंट की बात करते हैं। नोट पॉइंट लिखवाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा नोट पॉइंट। यदि आर इनवर्स इक्वल टू आर हो जाए तो रिलेशन रिलेशन सिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा आर इनवर्स इक्वल टू आर हो जाए तो रिलेशन 100% सिमेट्रिक हो जाएगा। तो रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा कैसे? यदि आर इनवर्स इक्वल टू आर, एग्जाम्पल लेता हूं बेटा, आर इनवर्स निकाला तो भूले नहीं हूं, डोमेन को कोडोमेन में, कोडोमेन को डोमेन में चेंज कर दीजिए। जैसे एग्जाम्पल देता हूं वन कामा टू, तो इसका अगर कोई कहता है आर इनवर्स निकालो तो क्या लिखते हो बेटा? टू कामा वन, यही तो होता है आर इनवर्स। तो यदि आर इनवर्स इक्वल टू आर हो जाए तो ऑटोमेटिक वो रिलेशन कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा। देखते हैं, एक रिलेशन आर इस तरीके का है, वन कामा वन, टू कामा टू, वन कामा वन, वन का और वन कामा टू, टू कामा वन, थ्री कामा वन,
1, 3। चेक करो बच्चों, आर इनवर्स निकाले तो 2, 1, 2, 1, 3 हो जाएगा, यह 3, 1 हो जाएगा। उल्टा हो गया, रेंज को डोमेन में, डोमेन को रेंज में चेंज कर। अब चेक कीजिए, 1, 2 इसमें है, 1, 2 इसमें, 2, 1 इसमें है, 2, 1 इसमें है, 3, 1 इसमें है, 3, 1 इसमें, 1, 3 इसमें है, 1, 3 इसमें, यानी इक्वल है। तो ये जो हमारे सामने रिलेशन है कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा। नोट पॉइंट के बारे में बताया गया, जब भी कोई बात कर दे इस पॉइंट की तो तुरंत बता दीजिए सिमेट्रिक होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, चेक कर लीजिए पिछली डिफिनीशन के अनुसार, मैंने क्या बताया था, A1, A2 बिलोंग करता है आर को, और A2, A1 भी बिलोंग करता हो आर को, तो सिमेट्रिक होगा। 1, 2 है, 2, 1 3, 1 है, तो 1, 3 भी, इसलिए सिमेट्रिक है। लास्ट रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन, ध्यान दीजिएगा, इफ A, B बिलोंग करता हो आर को, अगर किसी रिलेशन में A, B बिलोंग कर रहा है आर को, एंड B, C भी बिलोंग करता हो आर को, अगर किसी भी रिलेशन में बच्चों A, B बिलोंग कर रहा है आर को, एंड B, C बिलोंग कर रहा है आर को, तब अगर A, C बिलोंग करता हो आर को, तो आप बोलोगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन। समझे, A, B बिलोंग कर रहा है आर को, B, C भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो A, C ये दोनों एलिमेंट, ये वाला अगर बिलोंग कर जाए आर को, कर जाए, तब वह ट्रांजिटिव होगा। एग्जांपल के रूप में देखें, 1, 2, 2, 3 तो 1, 3 चेक करें इस रिलेशन, ये 1, 2 बिलोंग कर रहा 2, 3 तो होना क्या चाहिए, 1, 3 भी है इसमें। अब ध्यान दीजिए, 2, 3 इसमें है, मैंने क्या बोला, A, B अगर बिलोंग कर रहा है आर को, B, C बिलोंग कर रहा है आर को, तो A, C भी बिलोंग करे आर को, तो रिलेशन कैसा हो, ट्रांजिटिव। तो ध्यान दीजिए, ऐसे नहीं बोलोगे हाँ हो गया 1, 2 बिलोंग कर रहा है, 2, 3 बिलोंग कर रहा, सेम एलिमेंट मिले जैसे सेम थे, बचा क्या 1, 3 बिलोंग कर, तो रिफ्लेक्स हुआ। आगे चेक करो, 2, 3 है, क्या 3, कुछ और है, तो अब चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो यह ट्रांजिटिव रिलेशन। एक और एग्जांपल समझ ले बच्चों, जैसे 1, 2, 2, 3, 1, 3 और 3, 4 और 2, 4। चेक करो बच्चों, पूरा चेक करना पड़ेगा, 1, 2 इसमें, 2, इसमें, 2, 2 मैच, तो 1, 3। आगे चेक करो, 1, 3 इसमें, 3, 4 इसमें, 3, 3 मैच, तो 1, 4 किसमें, इसमें होगा। फिर दिक्कत क्या होना चाहिए, 1, 4 नहीं मैच कर रहा, तो यह सिमेट्रिक नहीं है, सॉरी ट्रांजिटिव नहीं। तो यहीं पे टाइप्स ऑफ रिलेशन पार्ट समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 अपलोड कर दी जाएगी, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।